मैं खालिद खान सैफ वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चुनाव को लेकर जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये जो तीनों लोकसभाएं हैं प्रथम चरण में इनका चुनाव 19 अप्रैल को होना है, उसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं। जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुरूप कुल 2623 मतदान केंद्र है, जिसमें से 823 मतदान केंद्रों को तीनों जनपदों में संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है और 130 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो हमारे किसी बॉर्डर के दूसरे प्रदेश से लगते हैं, उन पर विशेष सक्रियता बरती जा रही है। 209 मजरे ऐसे हैं जो वल्नरेबल माने गए हैं, चाहे जाति आधार पर, किसी धार्मिक आधार पर या किसी क्राइम के आधार पर या पिछले मुकदमों के आधार पर, वहां विशेष नजर रखी जा रही है जहां हमें लगता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हो सकती है। और इसके आधार पर 692 लोगों को ऐसा चिन्हित किया गया है जो पहले चुनाव में गड़बड़ी कर चुके हैं या अंदेशा है कि आगे भी कुछ कर सकते हैं, इन लोगों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, अन्य प्रदेशों से पुलिस बल, पीएसी अलर्ट किए जा रहे हैं। काफी मात्रा में पुलिस बल आ चुका है तीनों जनपदों में, पर्याप्त इनकी पेट्रोलिंग, फुट पेट्रोलिंग और रूट मार्च किया जा रहा है जिससे लोगों को एक सुरक्षा का वातावरण मिले और अच्छे माहौल में वोटिंग हो। इसके अतिरिक्त कई राज्यों से लगता है तो ऐसे में सीमावर्ती इलाकों को लेकर क्या रहेगा? ऐसे में जो सीमावर्ती राज्य है सभी राज्यों से कई स्तरों की मीटिंग कर ली गई है, हम लोग के स्तर से भी, एडीजी सर के स्तर से भी, थाना लेवल तक भी। व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया गया है, अपने जो बैरियर है जैसे कि हमारे जो राज्य है उनसे 32 अंतर्राज्यीय बैरियर और चेक पोस्ट बनाए गए हैं, इन सब पे वायरलेस सेट रखा गया है, हर जगह वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल और पीएससी इन बैरियर पर लगाया जा रहा है। अन्य राज्यों से भी बात करके ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि उनके यहाँ से भी कितने पुलिस फोर्स मौजूद रहेगी, इस पर हम लोग विशेष नजर रखे हुए हैं। साथ ही जो 123 केंद्र अन्य राज्यों से हमारे लग रहे हैं उन पर जितने भी हिस्ट्री शीटर और माफिया और हमारे वांछित लोग हैं उनकी सूची हमने दूसरे राज्यों के साथ भी शेयर कर ली है कि वो लोग भी इसमें अगर उनके यहाँ कोई सूचना है तो कार्य करें। और सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? सभी पे पैरामिलिट्री फोर्स लगा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो दूर हमारे सीमा से लगे हुए मतदान केंद्र है उन पे एक लेयर की और सिक्योरिटी हम लोगों ने रखी है। इसके लिए हम लोगों ने क्लस्टर मोबाइलें बनाई हैं, करीब 478 क्लस्टर मोबाइलें हैं जो केंद्र से, जो हमारे जनपद मुख्यालय से दूर के सेंटर है या सीमावर्ती है, दो दो तीन तीन केंद्रों को एक एक गाड़ी कवर करेगी। इसके लिए क्लस्टर मोबाइल लगाई गई है ताकि हमारा उद्देश्य हर 4 से 5 मिनट में एक कोई ना कोई गाड़ी मतदान केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंचे। इसके अलावा जो है 58 जोन और 478 सेक्टर में डिवाइड किया गया है सारी चीजें और 49,085 सत्र लाइसेंस है इस समय तीनों लोकसभाओं को मिलाकर पूरे रेंज में, जिसमें से 4,443 जमा कराए गए हैं या निरस्त कराए गए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने उसका अवैध प्रदर्शन किया है या उसका कोई आपराधिक कृत्य में प्रयोग किया है या उससे किसी को डराने धमकाने की कोशिश की है। साथ ही एक कमेटी बनी है जो ये निर्धारित करेगी किसके शस्त्र जमा कराए जाने हैं, किसके छोड़े जाने हैं, वो तीनों जनपदों में टीम बन गई है, वो टीम अपना कार्य कर रही है। और भारी मात्रा में करीब 96,50,000 रुपए अभी तक अवैध कैश बरामद किया गया है जो कि इनकम टैक्स की टीम को सूचित करके उन्हें सौंप दिया गया है। आगे भी अवैध शराब जो अन्य प्रदेशों से आती है उसमें भी काफी अच्छी कार्रवाई हुई है और करीब 40,00,000 रुपए की शराब अभी तक चुनाव प्रक्रिया के दौरान देशी या बाहर से आने वाली दोनों मिलाकर बरामद कर ली गई है। करीब 320 अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं, 2 शस्त्र की फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं और निरंतर इसमें कार्रवाई की जा रही है। करीब 4087 हिस्ट्री शीटर है पूरे रेंज में, जिसमें से 500 के आसपास जेल में है और 315 ऐसे हैं जो लापता है 4087 में से, जो बाहर गए, बॉम्बे गए, बंगाल गए, कहीं गए, ट्रेस किया गया, बाद में वो ट्रेस नहीं हो पाए और यहाँ भी नहीं मौजूद है। ऐसे लोगों के लिए भी हम लोग 1 तारीख से ये अभियान चला रहे हैं और हमारा पुलिस बल जो 1 तारीख से रूट मार्च कर रहा है, 1 मार्च से वो जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके घर भी जा रहे हैं, उनको भी चेक कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। यानी सर ये आचार संहिता की बात है, अभी शायद दुकानदारों ने नहीं पढ़ाया, कुछ होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं जो जेल आदमी में शराब पीवा रहे हैं और जो बार है वो आगे से तो बार को बंद कर देते हैं और पीछे से रास्ता खोल देते हैं और शराबें अंदर चलती रहती है, 12-1 बजे तक वो बैठे रहते हैं। देखिए इसमें 2 चीजें हैं, हमें केवल आचार संहिता ही नहीं बल्कि हर समय एक समय सीमा निर्धारित है कितने बजे तक दुकानें खुलेंगी, प्लस शराब कहाँ बिकेगी उसकी सरकार द्वारा लाइसेंस दी जाती है, अवैध शराब कहीं नहीं बिकेगी। और आपने जो चीजें बताई इसमें भी पुलिस कार्रवाई लगातार करती है, कोई स्पेसिफिक सूचना हो तो आप जरूर बताएं, उस जगह हम अलग से रेड करा के कठोर कार्रवाई। चुनाव में गड़बड़ी करने वालों के लिए क्या निर्देश? चुनाव में जो गड़बड़ी कर रहे हैं ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है, 114 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है, 2029 लोगों के खिलाफ 107-16 में पाबंद कर दिया गया है, 30 लोगों को जिले से बाहर जिला बदर किया गया है और 242 के खिलाफ गुंडे की कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त रेड नोटिस भी हम लोग जारी कर रहे हैं और कोई भी अगर चुनाव प्रभावित करने का कार्य करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।
हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहें SAF1 न्यूज से। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।